शहीदों के नाम से पहचाने जाने वाला गरियाबंद जिला के सडौली में पुलिस विभाग ने शहीद स्मृति दिवस मनाया। जिले के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने इस गांव के कृति चक्र से सम्मानित शहीद भृगुनंदन चौधरी, डिगेश्वर शांडिल्य और कमलेश्वर चौधरी के शहीद स्मारक चौक पर स्थापित प्रतिमाओं पर पुष्पहार अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया, तो वहीं जिले के पुलिस जवानों के साथ सलामी दिया। शहीदों को याद करते हुए एसपी पटेल ने शहीदों के शिक्षा ग्रहण करने वाले स्कूल पर भी उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किया। इस अवसर पर शहीदों के परिजनों को श्रीफल और उपहार भेंट कर पुलिस अधीक्षक पटेल ने भरोसा दिलाया कि पुलिस विभाग शहीदों के परिवार के साथ खड़ा है और परिजन के हर परिस्थिति पर सहयोग करने का वादा किया। शहीदों के याद में शालेय प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया गया। वहीं इस अवसर पर सीआरपीएफ कमांडर वीके सिंह, एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर, एसडीओपी संजय ध्रुव, आरआई उमेश राय कोतवाली, प्रभारी विकास बघेल, टीआई संतोष भुआर्य सहित कई पुलिस कर्मी उपस्थित थे। कौन कौन सा कार्यक्रम हुआ शहीद दिवस के अवसर में? आज शहीद स्मृति दिवस है आज यहाँ पर, इसलिए हमारी पूरी टीम और गांव वाले यहां पर एक साथ एकत्रित हुए हैं ताकि हमारे वीर जवान जिन्होंने हमारे देश की सेवा में अपने प्राण त्याग दिए थे उनको हम लोगों ने श्रद्धा सुमन दिए और उनके परिवारजनों के साथ मिल करके श्रीफल भेंट किया और उनके गांव के जो लोग हैं उनके साथ हम लोगों ने समय बिताया, उनकी समस्याओं को सुना और उन जवानों के बारे में बातचीत किया, इसलिए आज हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई है। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि एक छोटे से गांव से निकल करके हमारा जवान देश के लिए शहीद हुआ है। ये हम सब के लिए एक प्रकार का संदेश है कि हम सभी भी देश की सेवा के लिए समर्पित होकर कार्य करें। थैंक यू सर। गरियाबंद से जयविलास शर्मा, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।